इसमें तो कोई शक नहीं, वो नबी अजमतों वाला नबी, वो नबी शान वाला, इसमें तो कोई शक नहीं। कौन है जो शान मुस्तफा बयान करे, लेकिन सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। हाँ, सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। आज जहां पे हम खड़े हैं मेरे भाई, जिस जगह हम खड़े हैं, जिस दौर में आज हम खड़े हैं, आज दो तहजीबों की जंग है। एक तहजीब है ताबूत की, अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा की, और आज उसके नुमाइंदे हैं ओबामा कैमरून, और एक तहजीब है आमना के लाल की, जिसके नुमाइंदे हैं उलमाए हक, जिसके नुमाइंदे हैं दावत और तबलीग में कल चलने वाले काफले, जिसके नुमाइंदे हैं मुजाहिदीन इस्लाम, और जिसके नुमाइंदे हैं सियासत के मैदान में जमीयत उलमाए इस्लाम। मनो या ना मनो, मैं सच कर रहा हूं, इस उम्मत को उरूज कब रहा, ये उरूज पे कब रही, आज सिर्फ तकरीरों में रोती है बस, जलसा खत्म, भूल गए कि क्या कुछ हुआ। ये उम्मत उरूज इसका उस वक्त रहा जब मुस्तफा की तहजीब को लेकर ये दुनिया के कोने कोने में उस तहजीब को फैलाने में दौड़ पड़ी। एक तो वो थे, और आज बहुत पढ़े लिखे लोग हो, उलमा का एक बड़ा काफिला बैठा है। सच्ची बात बताओ, आज मगरब ने अपनी तहजीब, अपने अखलाक, अपना किरदार, अपना कल्चर, अपनी सोच हजारों मील दूर बैठकर तेरे मेरे घर तक पहुंचा दी है या नहीं पहुंचा दी? पहुंचा दी, हमने खरीद कर लाई और उसमें फजर भी कर दिया, दौड़ रहे उसमें। लेकिन इसके बरक्स मगरब की सोच को, तहजीब को, फिक्र को, तमद्दुन को हमने अपने घरों में जगह दे दी। लेकिन मुस्तफा की सीरत तैयबा ताहिरा को सुनकर रोने वालों, मैं उस पाक सीरत और उस पाक अखलाक को, उस पाक तहजीब को मगरब तक पहुंचाना दूर की बात, मैं अपनी औलाद तक नहीं पहुंचा सका, मैं अपनी औलाद तक नहीं पहुंचा सका। तो उरूज कैसे मिले? ये ऐसे नहीं है, ये जिंदगी वैसे नहीं है। ये तुम ये समझ रहे हो कि बस दाल रोटी चल रहा है तो हमारा बच जाएगा। वाह खुदा कह रहा हूं, मिंबर मुस्तफा में बैठकर मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, इंसान इसके लिए नहीं आया है। इंसान तो इंसानियत का ताला का तारुफ करवाने के लिए आया है। ये तो दाल रोटी के चक्कर में सारे पड़ गए, बस दाल रोटी चल रही है तो बस ठीक है। नहीं नहीं, इंसान इसलिए आया था कि मेरे अल्लाह का तारुफ पूरे आलम में करवाए, पूरी दुनिया में करवाए। तो ये अल्लाह रसूल का तारुफ क्या करवाएगा, खुद मुतारफ नहीं है, ये क्या तारीफ करवाएगा? इसीलिए तो अल्लामा ने कहा ना, अल्लामा इकबाल बाल दफा बहुत डूब कर बात करते कि थे एक हम ही तेरे मारकारों में, थे एक हम ही तेरे मारकारों में, खुशकियों में
कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। एक तो वो वक्त था तो दुनिया को फतह करने के लिए निकला था, आज तू मफ्तू बन गया, नबी का दुश्मन फाते बन गया। आज तूने इस जिल्लत की जिंदगी पर कंप्रोमाइज कर लिया, नहीं निकल। एक तो वो जमाना था कि शान आंखों में जचती न थी, जहां दारों की कलमा पढ़ते थे हम साए में तलवारों की। एक तो वो जमाना था, आज तलवार की बात सुनकर, आज गोली की बात सुनकर लरजने लगते हो कि बस ठीक है जिल्लत की जिंदगी, IMF से भीख मांग कर जिंदगी गुजारना, ये तेरा मेरा वतीरा बन गया। जरा देख तो सही वो कौन सी जिंदगी है। हजरत जर्रा, बड़ी अजीब बात है, हजरत जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे जंग में लड़ते लड़ते दुश्मनों की सफों के दरमियान चला गया, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, मेरा घोड़ा लड़खड़ाने लगा। वो घोड़ा जिसके लिए रब फरमाता है वल्आदियात ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا। वो घोड़ा लड़खड़ाने लगा, सुबह से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते थक गया, लेकिन सरदार कहते हैं मेरे रब ने मुझ पे ये कर्म किया, मेरा जानवर तो थक गया लेकिन मेरा बाजू कुफर की गर्दने काट काट कर नहीं थका। घोड़ा लरजने लगा, करीब था कि गिर पड़े और मैं पकड़ा जाऊं। मैंने घोड़े के कान में एक जुमला कहा, घोड़ा ही हिलाया, तवारा ही के साथ अंगड़ाई, लश्कर को रोने लगा, दौड़ पड़ा लश्कर को रोनते हुए मेरे साथियों के पास पहुंचा। साथियों ने मुझे सीने से लगाया, कहने लगे सरदार आज यकीन हो गया था तू गिरफ्तार हो जाएगा, तू तो दुश्मन के अंदर तक चला गया, तेरा घोड़ा गिरने के करीब था। लेकिन ये बात, ये राज समझ नहीं आई, घोड़े के कान में तूने क्या कहा। तो सरदार कहने लगे मैंने कोई और सबील नजर नहीं आई, मैं घोड़े के कान के करीब जाकर इतनी बात कही